मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दरवाजे के हैंडल गंदे लगना, कंटेमिनेशन ओसीडी में बहुत सारे ट्रिगर होते हैं, जैसे यूरिन, पोटी, पीरियड का ब्लड, वीर्य, या बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से एक कॉमन ट्रिगर है हैंडल गंदे लगना। दरवाजे के हैंडल लगना, मेन गेट का हैंडल गंदा लगना, या पूरा दरवाजा ही गंदा लगना, और ख़ास करके जो पकड़ने वाली कुंडी है वो सबसे ज़्यादा गंदी लगना। तो ऐसे में इंसान क्या करता है कि कुंडी को पकड़ना छोड़ देता है, वो या तो नैपकिन से खोलेगा या फिर पैरों से खोलने लग जाता है, या जो वाश बेसिन या उसका नल है वो भी उसे गंदा लगता है, तो वो हाथ धोने से पहले तो आराम से छू लेगा क्योंकि गंदा ही हाथ है, उसे पता है भी हाथ तो धोना ही है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ धो लिया उसके बाद वो या तो पानी उसके ऊपर डालता रहेगा, फिर उसे धीरे से बंद करेगा, या ऐसे कुछ तो कोहनी से ही बंद करते हैं कि हैंडल को, नल को दोबारा ही ना छूना पड़े। तो ऐसा बिहेवियर कंटेमिनेशन ओसीडी में अक्सर देखा जाता है। तो इस समस्या से गीता थेरेपी के द्वारा कैसे ठीक करना है वो प्रोसेस आप पूरा जानोगे। तो हमारे साथ हैं आज हनुमान सिंह जी। हनुमान जी को प्रॉब्लम है, वैसे हनुमान जी तो बाकियों की प्रॉब्लम हटाते हैं क्योंकि हनुमान जी ने तो राम की प्रॉब्लम दूर कर दी थी, लेकिन आजकल कलयुग है तो हनुमान जी खुद बीमार हो गए हैं, तो हनुमान जी को अब ठीक करते हैं। तो हनुमान जी, गीता थेरेपी शुरू करें? ठीक है सर जी, करिए। गीता थेरेपी फॉर दरवाजे के हैंडल। आपने मेरी इंग्लिश हिंदी पर नहीं जाना है, नहीं कोटेंस आपने नहीं जाना है, तो आपने सिर्फ मेरी बातों पर फोकस रखना है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ उसको मद्देनजर रखना है, लिखाई के ऊपर, स्पेलिंग के ऊपर जाना भी मत, वरना आपको दोबारा से क्लास लेनी पड़ जाएगी, नहीं तो फिर मुझे हिंदी की क्लास लेनी पड़ जाएगी। तो सबसे पहले ट्रिगर, जिसे हम ए कहते हैं, ऐसे आप गीता थेरेपी का फॉर्मेट बना लोगे, ये याद रखना हनुमान जी। ठीक है सर, ये आपका रास्ता है लंका जाने का जी, रास्ते में भूल गए तो फिर राक्षस पकड़ लेंगे, और आपके लिए राक्षस ओसीडी है। तो ए को क्या बोलते हैं हनुमान जी? ट्रिगर। ट्रिगर। और बी को? बी को एहसास। बी किस चीज का एहसास होता है? गंदगी का। हाँ, तो एहसास होना और लगना, क्या लगता है? गंदगी लगना। गंदगी लगना, लगना शक क्या होता है? शक। गंदगी का शक होता है। वहम। हाँ, ऑब्सेशन इंग्लिश में कह देते हैं। वहम किसका आता है? गंदगी का। गंदगी का। विचार कौन से आते हैं? गंदगी वाले। गंदगी वाले। ठीक है, तो सभी यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद जैसे ही ये वर्तमान में आता है, क्योंकि जो ऑब्सेशन है वो जैसे ही ट्रिगर हुआ, जैसे ही कोई घटना घटी, जैसे ही हाथ को हैंडल लगाया, उसी वक्त ये आएगा, ऑब्सेशन उसी वक्त मन में आ जाएंगे, और ये प्रेजेंट मोमेंट से संबंधित होंगे कि हाथों में गंदगी है, गंदगी का एहसास होगा, और उसके बाद फिर खतरा आएगा, वो फ्यूचर से संबंधित आएगा कि अब मैं इन हाथों से बाकी सामान छूंगा तो बाकी सामान गंदा हो जाएगा, तो ये फ्यूचर से संबंधित होता है। तो जैसे ही आप के साथ ट्रिगर होता है, उसके बाद वहम आएंगे, फिर फ्यूचर से संबंधित डर आएगा, जिसे हम संभावित डर बोलते हैं। संभावित डर है नहीं, संभावना है, लेकिन ये संभावना भी आपकी झूठी है, या झूठा डर बोल दें वो सही नहीं लगेगा, लेकिन इसीलिए मैंने संभावना भी प्रोबेबिलिटी है भी, साइंस के हिसाब से, या कुछ -0% प्रोबेबिलिटी, या 0% या 0.1% प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन उस संभावना से कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम संभावना से ही डर जाते हैं। जैसे आप सड़क पर जाते हो तो एक्सीडेंट होने की संभावना तो रहती है, चाहे 0.1% हो, लेकिन संभावना तो है। ऐसे ही बहुत सारी जो चिंताएं हैं वो संभावित होती हैं, लेकिन हम उनको संभव मान लेते हैं कि संभवता ही है, ये यही प्रॉब्लम है। संभावित डर, नुकसान और खतरा। इसके बाद मन
इस खतरे को कम करने के लिए सॉल्यूशन बताता है कि इस खतरे को हटाना है, इससे बचना है तो इसका इलाज भी है, सॉल्यूशन है। तो मन सॉल्यूशन देता है, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है? खतरा बन जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। वो सॉल्यूशन ही बीमारी बन जाता है। ओसीडी में ऐसा ही होता है कि इलाज ही बीमारी बनता है। ओसीडी में आपने जो इलाज किया वही बीमारी है, खुद के द्वारा किया हुआ। हाँ, खुद के द्वारा किया हुआ इलाज बीमारी है। तो अब खुद का इलाज, खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनना है, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। तो सबसे पहले इसमें जो आएंगे दो चीज़ें आती है, एक तो डूइंग करना, जिसे करना बोलते हैं, और एक है अवॉइड, जिसे बचना बोलते हैं। इनको करना अर्थात मरना, करोगे तो मरोगे, और बचना अर्थात फंसना, बचते ही फंसोगे, ये भी साथ ही साथ मैंने लिख दिया। तो अब हम ट्रिगर लिखेंगे। ट्रिगर क्या है, जो शुरू में मैंने बताया था, हैंडल दरवाजे का हैंडल, हैंडल ही लिख देते हैं, हैंडल। ठीक है, वो हैंडल वॉशरूम का भी हो सकता है, दरवाजे कोई भी हैंडल हो सकता है। तो अब ये हैंडल ट्रिगर है। जैसे ही आप हैंडल को छूते हो, हैंडल को छूना ये ट्रिगर है। जैसे ही आप हैंडल को छूते हो तो किस चीज़ का एहसास होता है? गंदगी का एहसास। विचार कैसे आते हैं? मतलब मेरे हाथ गंदे हो गए। हाँ, हाथों में गंदगी, हाथ गंदे होने का विचार का शक, विचार या हाथ गंदे लगना, ये सब कुछ इसमें आ गया ना। जी, जी। तो अब जैसे ही आपको लगा कि हाथ गंदे हैं, तो इससे फिर मन में डर क्या आता है कि इससे हो क्या जाएगा? अगर हाथ गंदे हैं तो इससे होगा क्या? में अगर और कहीं जगह हाथ लगा तो वो चीज़ गंदी हो जाएगी। हाँ, जिसे छूंगा वो चीज़ें गंदी हो जाएगी, जिसे टच करूँगा वो चीज़ गंदी हो जाएगी। हाँ, वो चीज़ें गंदी हो जाएगी, हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मन फिर कहता है कि चीज़ें गंदी ना हो, इसके लिए क्या कर लेना चाहिए? हाथ धो लो। हाथ धोना, हाँ, जो भी। और पैर भी धोते हो? हाथ पैर धोना। और क्या करते हो? ज़्यादा लगे तो स्नान भी करना पड़ सकता है। हाँ, स्नान करना। और कोई कंपल्शन? तो अगली बार मन क्या सुझाव देता है कि अगली बार कैसे बचाए? ट्रिगर से बचाव के लिए मन क्या करता है कि ट्रिगर से ही बचा जाए, अवॉइडेंस में। तो आप हैंडल को छूने से ही बचने लग जाते हो, कोशिश करते हो कि हैंडल ना छुआ जाए। हैंडल ना छुआ जाए तो कैसे करते हो? घर में किसी को बोलता कि दरवाजा खोलो तो। हाँ, दूसरे से दरवाजा खुलाना, दूसरे से दरवाजा खुलवाना, खुलवाना। और पैर से खोलना। पैर से खोलना। तो क्या करते हैं, ओसीडी वाले बड़े चालाक होते हैं। जैसे मार्केट में गए, जैसे एक महिला को ओसीडी है, तो मार्केट में गई है अपने हस्बैंड के साथ। जी। तो हस्बैंड घर आएंगे, साथ में आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास आए तो वो पीछे हो जाएगी, हस्बैंड को आगे कर देगी कि दरवाज़ा पहले हस्बैंड खोले, भी उसके हाथ गंदे हो जाए वो चल जाएगा, मेरे हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। अगर उसको मजबूरी में खोलना पड़ गया तो जाते ही और कुछ सामान नहीं छुएगी, जाके सीधा पहले हाथों को मांजेगी। धोना तो ऐसे होता है, लेकिन ये मांजना और रगड़ना है, तो ये हाथों के साथ ज़्यादती होगी, हाथों का बलात्कार करेगी वो, क्योंकि बलात्कार ही हो गया ना, चमड़ी तक उतार देते हैं, तो हाथों की इज्जत लूट दी जाती है। तो हाथों की इज्जत लूटने के बाद फिर उनको संतुष्टि मिलती है, लेकिन जिसकी इज्जत लूटी गई वो तो मारा जाता है, हाथों की तो इज्जत लूट जाती है। ठीक है, तो अब
ये तरीका है ओसीडी वालों का, ये कहानी ओसीडी वालों की है। तो आप ऐसा ही करते हो, सबसे पहले दरवाजे के हैंडल को छूने की घटना हुई, उसके बाद गंदगी का एहसास होगा, विचार आएंगे, शक होगा कि हाथ गंदे हैं, और उसके बाद दूसरी चीज मन में खतरा आएगा कि दूसरी चीज़ों को टच करूंगा वो गंदी हो जाएंगी। तो आपका मन क्या कहता है कि दो तरीके हैं, या तो टच ही मत करो दूसरी चीज़ों को, या फिर हाथ धो लो, या फिर अगली बार क्या है कि गंदी चीज़ों को हाथ ही मत लगाओ, अर्थात सीधा कहेगा हैंडल को मत छुओ। तो ये बिहेवियर रहता है, ये मन दो तरीके बताता है कि या तो दूसरी चीज़ें मत छुओ, या हैंडल भी मत छुओ, या छू लिया तो फिर साफ कर लो, ये तरीके हैं। तो ये मन ने सुझाया, लेकिन ये तरीका ही तो बीमारी बन गया ना। अगर आप इस तरीके से ठीक होते तो अब तक हो गए होते, इतने साल बीमार रहते नहीं। तो अगर इतने साल तक बीमार हो, इसका मतलब ये तरीका सही नहीं है, गलत तरीका है। तो क्या गलत तरीके से आप सही हो सकते हो? नहीं। जैसे आप यहाँ थे, जिसे हम ठीक कहते हैं, अभी वो समय था ना जब आप ठीक थे, ठीक था, और ये है बीमार, बीमार, अब आप बीमार हो गए, तो अब आप कहाँ खड़े हो? बीमारी और आप बीमार कितने हों, बीमारी की तरफ आप कितने गए हों? 90%। हाँ, 90% इधर चले गए हो जी। जैसे आप वो टेम्परेचर मापते हैं ना जी, जैसे यहाँ पर बीमारी है, मैं पैरामीटर सा बना ही देता हूँ, और यहाँ पर ठीक है, तो ये एक स्केल है, ठीक है, यहाँ 100% बीमार हो गए, 90, तो आप कितने परसेंट बीमार हो 90. ये देखना पड़ेगा ना जी। हाँ, तो ये देखिए आपने कितनी यात्रा कर दी, अगर आप यहाँ हो या यहाँ हो वो देखना होगा। तो आप पहले माप लेते हैं कि मापने के लिए डाटा हमारे पास कितना है जी, उससे मापा जाएगा, सालों से नहीं मापा जा सकता भी आप कितने सालों से हो, आपके पास डाटा कितना है। कुछ लोग सीवियर बीमार हो जाते हैं या पूरी तरह से 100% बीमार हो जाते हैं कुछ ही महीनों में, कुछ लोग 5 साल में भी बहुत कम बीमार होते हैं, क्यों? धीरे धीरे बीमार होते हैं, कुछ एकदम से बीमार हो जाते हैं। तो आप बीमारी की तरफ कितना बढ़े हो ये आप देखेंगे। तो अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में बीमार हो गए हो, नहीं, धीरे धीरे आप बीमार हुए हो, तो ऐसा तो नहीं है कि रात को सोए थे और सुबह सारी चीज़ें गंदी लगने लग गई, पहले दिन से शुरुआत हुई है ना धीरे धीरे। हाँ, वो शुरुआत कैसी हुई वो बहुत गहरी चीज़ें हैं, उसके पीछे फिर हमें पूरे जीवन में जाना होता है, पूरी साइकोलॉजी को समझना होता है, लेकिन शुरुआत जैसे भी हो गई, क्योंकि गंदगी का डाटा आ गया ना हमारे अंदर, तो कैसे डाटा आया वो टाइम एंड स्पेस में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि मन में डाटा कहाँ से आया। बचपन में घर वाले सिखाते हैं कि चीज़ें गंदी होती है, माता पिता सिखाते हैं, परिवार वाले सिखाते हैं, उसके बाद शिक्षण संस्थाओं से हमें पता चलता है कि ये चीज़ें साफ होती हैं, ये गंदी होती हैं, उसके बाद धर्म गुरु तो बैठे ही गलत सिखाने के लिए हैं कि ये मूत्र, पेशाब, टॉयलेट, लैट्रिन, वीर्य, ब्लड, ये गंदा ही होता है, तो उन्होंने तो पूरी तरह से गलत शिक्षा देके बर्बादी किया है, और हम अपनी बर्बादी पर जश्न मनाते हैं, उनके पैरों में पड़ते हैं। उनके तो पैरों में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी, हमें उनको तो घर से निकालने की ज़रूरत थी, उनको देखने की ज़रूरत नहीं थी, उनको तो अवॉइड करने की ज़रूरत थी, लेकिन उनको हम भगवान माने बैठे हैं जो कि शैतान का रूप है। तो वहाँ से हम बीमार हुए हैं, डेटा वहीं से हमारे मनों में आया है, वहीं से हम बीमारी में घुसे हैं। जैसे मान के चलिए आप यहाँ तक बीमार हो गए, तो अब आप इधर जाओगे तो बीमार और ज़्यादा हो जाओगे, इधर आओगे तो ठीक हो जाओगे। तो ये जो काउंसलिंग सेशन है आज का, या आप यहाँ आए हो, तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊँगा कि आप कहाँ खड़े हो, इसमें आप कहाँ खड़े हो। जहाँ खड़े हो उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, एक तो बीमारी की तरफ जाना जिसे ऑब्सेशनल चॉइस बोलते हैं, एक होता है कि नॉन ऑब्सेशनल चॉइस कि आप वहीं खड़े रहो, एक होता है एंटी ऑब्सेशनल कि आप वापस आ जाओ, रिवर्स हो जाओ, एंटी करना होगा। तो अब आपको चुनाव करना होगा कि मुझे किस तरफ जाना है, जो मन कहेगा, जो ऑब्सेशन कहेगा, जो लगता है यही करते रहोगे तो इधर जाते जाओगे, और इसको छोड़ ही दोगे कि कुछ नहीं करेंगे एकदम ओके हैं, और अपने काम पर ध्यान दोगे तो यहीं पर खड़े रह जाओगे। और अगर आ जाते ही फाइट करते हो जी, जो चीज़ें गंदी लगती है उनको ज़्यादा छूते हो, दरवाजे के हैंडल को छूते हो, बालों के, गालों के, सारी चीज़ों को टच करते हो, बार बार छूते हो, सारे घरों के हैंडल छूते हो, टॉयलेट
ये जो दरवाजे के हैंडल है उनको भी बार बार छूते हो, खाना खाने से पहले हैंडल छुआ फिर खाना खाते हो बिना हाथ धोए, तो आप इस तरफ आ जाओगे अर्थात आपका डाटा जीरो हो जाएगा, आप ठीक जल्दी हो जाओगे। तो अब आपने सोचना है कि आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्या समझ में आया है मुझे? अगर मुझसे इसी अगर दिमाग को लेके मैं बार बार चलता रहता मैं बीमार की ओर में और मैं बढ़ता जाऊंगा। हाँ। और मैं अगर मन में कुछ अगर थोड़ा सा अजीबुल उसको महसूस अगर कम करूं तो उसको थोड़ा सा अगर हैंडल को पकड़ूं उसको तो फिर मैं थोड़ा सा ठीक होने की प्रगति पे चल सकता हूं। हाँ, ठीक होने की प्रगति पे चल सकते हो। तो अब आगे बढ़े, डाटा डिलीट कैसे करना है। तो अब देखिए आपका तरीका क्या है डी से सी ठीक करने का, कि सबसे पहले आप क्या करते हो डूइंग करके या अवॉइड करके लगता है कि सी ठीक हो जाएगा। जो खतरा झूठा है जी, नकली खतरा है, वो आप ठीक करने की कोशिश करते हो। इसमें तो गंदी हो जाएंगी, इसके पीछे कोई सबूत है? ये आपका रॉन्ग बिलीफ है कि छूने से चीज़ें गंदी होती है, ये कहाँ लिखा हुआ है? और आपके हाथ गंदे थे ये भी कोई सबूत है? दरवाजे के हैंडल गंदे थे ये सबूत है? ऐसे तो आपका सोने से दूसरी चीज़ें छुआ देंगे तो क्या वो सोने की हो जाएंगी? तो ऐसे हाथों से कोई चीज़ छूने से गंदी नहीं होती, ये हमारा रॉन्ग बिलीफ है, इरेशनल सोच बोलते हैं, कि ये हमारी फॉल्टी लर्निंग है, भी गलत शिक्षा हुई है। तो आप जितनी डूइंग करेंगे अवॉइड करेंगे उससे जो ये संभावित खतरा है ये असली लगेगा, संभावना हट जाएगी और फिर ये संभवतः खतरा आ जाएगा, संभव खतरा आ जाएगा, ये तो था ही जी, कंपलसरी हो जाएगा। तो आप जितना डी करोगे उससे जो संभावित खतरा है वो पक्का होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा सी, और सी जितना बड़ा होगा बी बड़ा हो जाएगा। बी में जो ये विचार आते हैं ये विचार बार बार आएंगे, रिपीटेड आने लग जाएंगे, क्योंकि इन विचारों को महत्व मिल जाएगा, इन्हें इम्पोर्टेंस ही मिल जाएगी, इन्हें लगेगा कि हम तो काम के विचार हैं। ये विचार फंसने लग जाएंगे, फंस जाएंगे विचार मन में, क्योंकि हम हाथ धोकर के इनको निकालते हैं, तो ये बार बार फंसेंगे, फिर खतरा बढ़ जाएगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो ये फंसना शुरू हो जाएगा, बार बार विचार मन में आकर के अटकने ही लग जाएंगे, अगर आपने सी का प्रयोग ज़्यादा किया तो। और अगर आपने सी के प्रयोग से बी को ठीक करने की कोशिश की तो ए ठीक नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, ए बहुत बड़ा हो जाएगा, अर्थात दरवाजे के हैंडल के बाद दीवारें भी आ जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, फर्श आ जाएगा, ऐसे ट्रिगर 1, 2, 3 ऐसे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। क्या समझ में आया? तो ये जो तरीका है आपका ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, जो डी से सी को ठीक करते हो, सी से बी को, बी से ए को। तो सबसे पहले तो ये कि ये है ही नकली, इस पर ही वार करना है कि ये बिल्कुल झूठ है, झूठ। जब ये झूठ है तो ये काम के नहीं, इन पर ध्यान ही नहीं दोगे तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पूरा फोकस आपने इस पर करना है कि जो मुझे गंदी चीज़ें फैलने, गंदी चीज़ें होने का जो खतरा है, या गंदगी फैल जाएगी या चीज़ें गंदी हो जाएंगी, वो एकदम झूठ है, ऐसा होता ही नहीं है, ये मेरा मन ही सोच रहा था, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जब आप ये समझ गए तो फिर हाथ पैर धोने की ज़रूरत है, चीज़ों को दूर रखने की ज़रूरत है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो पूरा इस पर फोकस करोगे, इसके लिए गीता के 18 अध्याय आपकी मदद करेंगे, वो आप टाइम एंड स्पेस से देख लोगे। इसके बाद जो टाइम एंड स्पेस का जो 18 अध्याय है वो गीता कोर्स से देख लोगे, गीता कोर्स में मैंने पूरे 18 अध्याय रिकॉर्ड किए हैं, वो आप देखोगे। और टाइम एंड स्पेस है, उससे सारा डाटा का विज्ञान समझ में आ जाएगा कि कैसे आपके मन में डाटा भरा है, वो आप देखोगे, तभी ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी तक कुछ पल्ले पड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें, फिर भी मैं खतरे को बता देता हूँ कि ये खतरा आपका बिल्कुल गलत है, झूठ है, ये ऐसा होता ही नहीं। अगर ऐसा होता तो सबके साथ होता, बाकी लोग भी तो जीते हैं, आपकी तरह नहीं करते हैं ना। कुछ लोग जिनको आप बहुत साफ मानते हो या मंदिर में पूजा करते हैं, वो भी क्या ऐसे करते हैं? मंदिर को तो पता नहीं कितने लोग छूते हैं, तो वो तो हैंडल ज़्यादा गंदा होना चाहिए था। सही बात है। तो पुजारी छूता उसे हैं? पुजारी के मन में ऐसे विचार ही नहीं आएंगे, अगर मन में आ गया विचार है, अरे कहाँ की गंदगी, वो इस पर सोचेगा ही नहीं। लेकिन जिसको OCD है वो तो इस विचार से सब कपा जाएगा, उसके मन में तो ये विचार फंस जाएगा, क्योंकि OCD है।
तो आपको ये खतरा महसूस हो रहा है, ये बीमारी के कारण हो रहा है और बीमारी धीरे धीरे बढ़ी है गलत एक्टिविटी से, वो ये है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। तो डाटा मन में कैसे आया वो जान लेते हैं एक बार। जैसे ये हमारा मन है, ये इसकी स्पीड है, तो स्पीड से ऊपर रहना अर्थात खुशी शांति, और स्पीड स्लो होना दुख चिंता घबराहट। तो स्पीड फास्ट और स्लो कैसे होती है, वो डाटा से होती है जी। तो डाटा ज़्यादा होगा तो स्पीड स्लो, जैसे मोबाइल में ज़्यादा डाटा है तो मोबाइल हैंग होने लग जाएगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। उसी प्रकार मन में अगर ज़्यादा डाटा है तो बीमारी पैदा हो जाएगी। ये OCD भी तो इसीलिए है कि आपके पास गंदगी से संबंधित डाटा आ गया है। आप बचपन से जंगल में रहते तो क्या आपको गंदगी लगती, चीज़ें गंदी लगती? कुछ भी नहीं लगता ना, पोटी को भी हाथ में ले लेते, क्योंकि जंगल में तो हमें कोई सिखाने वाला नहीं मिलता भी ये गंदी है, इसको छूना नहीं है। तो ये हमें सिखाया गया है, डाटा डाला गया है कि चीज़ें गंदी होती हैं। ये सिर्फ हमने जैसे कोरोना काल में बहुत सा डाटा मन में आया, मोबाइल, TV, सीरियल और बहुत सारे लोग डाटा ही डाल रहे होते हैं हमारे मन में। उन डाटाबाजों से बचना है और जो डाटा डाल दिया है उसको डिलीट करना है। जैसे कितना डाटा है इसमें, जैसे आप जितनी ज़्यादा अवॉइडेंस करोगे उससे भी डाटा आएगा, जितनी ज़्यादा डूइंग करोगे उससे भी डाटा आएगा, और जितना ज़्यादा आप खतरा महसूस करोगे उससे भी डाटा आएगा, जितना आप विचारों को ज़्यादा वैल्यू दोगे उससे भी डाटा आएगा। तो ये चार दिशाएँ हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहाँ से डाटा आपके मन में आया है चारों दिशाओं से। तो अब आप देखिए, हम देखते हैं कि इधर से डाटा कितना कितना मन में आया है। आप ये दरवाजे को न छूना, न खोलना, पैर से खोलना, ये कितने दिनों से कर रहे हो? 18-20 साल से 20 साल से कर रहे हो। और दिन में ये कितनी दफ़ा हो जाता है? 20-25 बार हो जाता है। 20-25 बार हो जाता है। तो विकास जी कैलकुलेटर ऑन करना, तो 20 गुना में 30 कितना हो गया? 600 गुना में 20 गुना 600, हाँ 600 और 600 90,000 हो गया ना। तो 90,000 डाटा ये हो गया, 600 गुना 600 कर रहे हैं। हाँ, और 60,000 हाँ 60,000 हो गया, 3,60,000 जितना है। तो अब देखो, अगर आप ये हाथ पैर धोना, ये कितने सालों से है? 20 साल से सेम डाटा है, इससे तो डबल है, इससे डबल हो गया। तो क्योंकि हाथ और पैर दोनों आ गए, तो 3,60,000 7,00,000 मान लेते हैं, 7,00,000 डाटा ये है। और ये विचार खतरा कितनी बार पैदा होता है कि चीज़ें गंदी हो जाएंगी दिन में? जब भी किसी गंदगी का मतलब वो एहसास हो गया कि गंदा है, तो दिन में एहसास कितनी बार होता है? 25-30 बार। 30 गुना में 30 कितना हो गया? 600 हाँ 600 गुना में 900 गुना में 600 540,000। तो 5,50,000 ये डाटा है जी। तो 10 और 7 17 और 3 20,00,000 डाटा टोटल है। इतने सालों में आपने 20,00,000 डाटा ऐड किया है जी। तो अब देखो, ये देखो, ये अपन लाखों पर चलते हैं। 1,00,000 में तो 10% होता है, 20,00,000 में आपका ये जैसे ऐसे अनलिमिटेड है डाटा, लेकिन आपने ये तो चलता ही रहेगा। तो बीमार आप, बीमारी तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी जी। तो आप 20,00,000 तक बीमार हो गए हो जी। ये समझिए 20,00,000 डाटा है मन में, इतना डाटा हो गया है। जैसे आप एक काम को अगर 20,00,000 बार कर लें तो उस काम पर मास्टरी हासिल हो जाती है ना। तो उसी प्रकार आपने OCD को इतना 20,00,000 बार किया है, तब जा करके आप इस सिचुएशन में इतने फंसे हो। तो 20,00,000 बार कर चुके हो, कितना आपने डाटा इकट्ठा कर लिया। तो अगर 20,00,000 को यहाँ तक लेके आए तो आप देखो फुल के करीब पहुँच गए, 90% जो आप कह रहे थे।
तो अब बताओ, अब बीमारी बीमार तो बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक तो ठीक से तो बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है, तो अब वापस आना है या बीमार होना है? वापस आना है। तो वापस आने के लिए अगर यही काम करते रहोगे तो वापस नहीं आ पाओगे, नहीं पाओगे। तो इसके लिए तो क्या करना होगा, 20 लाख डाटा को डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए जो चीज़ों को नहीं खोलते थे, पैर से खोलते थे, वहाँ फाइट करनी होगी, भी हाथ से ही खोलना होगा जी। बार बार खोलना होगा चीज़ों से, दूसरे से दरवाज़ा नहीं, खुद खोलना होगा। हाथों पैरों को बिल्कुल नहीं धोना है, धोना ही नहीं है, स्टॉप कर देना है, और खतरे को फेस करना है, सामना करना है, खतरे को पूरा बढ़ा के रखना है। जैसे 10 ये फुल खतरा है, ये नॉर्मल है, ये लो है। तो जैसे ही थोड़ा सा खतरा महसूस होता है, आप ये कंपल्सन करने लग जाते हो। तो इस बार कंपल्सन नहीं करना है, खतरे को बढ़ाना है। जैसे ही कंपल्सन स्टॉप करोगे, चिंता एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, लेकिन जिसकी बढ़ा के ही रखनी है, फिर अपने आप डाउन हो जाएगी। कोई भी चीज़ है वो पीक पर जाती है, अपने आप आ जाती है। जैसे गर्मी सर्दी हमेशा नहीं रहती ना, वो पूरी पीक पर जाएगी, फिर डाउन हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जैसे पानी पूरा गर्म कर दो, पूरा गर्म होने के बाद फिर ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, भाप बन जाएगा, तो वो दूसरी चीज़ में बदल जाएगी ना। ऐसे पूरी एंग्जाइटी को फेस कर लोगे, वो फिर से खुशी में बदल जाएगी, तो इमोशन अपने आप रूप बदल लेगा फिर। ये मन का स्वभाव है, ठीक है। मतलब जब भी गंदी ऐसा से, तो मतलब कोई भी एक्शन लेना, इसको एक्शन नहीं लेना, खतरे को बढ़ाना है, सिर्फ फाइट करना है। फाइट करना, फाइट करना ही इलाज है। और हाथ धोना, इसको फेस करना है, और इसको गाली देनी है कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने, गंदगी वाले विचार आ जाओ, फिर डाटा डिलीट होगा। तो अब पहले आप, और इसको बार बार करना है, दरवाजों को बार बार छूना है, इसको करना है बार बार। ये बार बार नहीं करना, ये बार बार करना है, हाथ बार बार लगाना है। तो यहाँ से ए से डी की तरफ जाना है। आप पहले इधर से इधर आ रहे थे ना, तो वो तो रॉन्ग मेथड था। अब आपने इधर से इधर जाना है, उल्टा चलना है ए से। पहले आप पहले तो ये कुदरती एक्टिव होते थे ना इवेंट, अब आपने धक्के से करना है कि दरवाजे के हैंडल के पास धक्के से जाना है। शुरुआत यहाँ से करनी है। सबसे पहले क्या करना है वो तरीका देख लो। दरवाजे के हैंडल के पास ज़बरदस्ती जाना है, और जा करके विचारो गाली निकालते हुए कि सालों कुत्तों कमीने ओसीडी वाले विचारो आ जाओ, मैं तो दरवाजे के हैंडल को छू रहा हूँ, और गाली निकालते हुए छू लेना है, फिर खतरा पूरा बढ़ा लेना है कि मैं तो पूरा गंदा हो चुका हूँ, जो हो जाए मर्जी हो जाए, आज तो सारे घर को गंदा करके ही रहूँगा, सारे घर को गंदा करके ही छोड़ूंगा, गंदा हो गया मैं तो, पूरा गंदा हो गया। जैसे दरवाजे के हैंडल को दोनों हाथों से छुआ, पूरा शरीर को कहो, मैं पूरा शरीर गंदा कर रहा हूँ, पूरा शरीर गंदा कर चुका हूँ, दूसरे से नहीं, खुद छूना है सारा, और हाथों से नीचे सारी जगह हाथ नीचे लगाने हैं, तो फाइट करनी है, और हाथ धोना पैर धोना स्टॉप कर देना है, इन्हीं हाथों से खाना खाना है, इन्हीं हाथों से सब कुछ करना है, फिर आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा आप करेंगे तो एक बार में यहाँ से 100 डाटा, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, और बोनस के आपको 500 मिल जाएंगे। तो 500 डाटा एक बार में डिलीट होगा, तो फिर अगली बार 1000 डाटा डिलीट होगा, और उसकी बार फिर 2000। ऐसे डाटा डिलीट होते होते ये जो कितने लाख का हो गया, 20 लाख, 20 लाख डाटा वो ज़ीरो होगा। जैसे 2 बॉक्स है, ओसीडी बॉक्स है एक तो, और एक ये नॉर्मल बॉक्स है, तो इसमें 20 लाख डाटा है, इसमें 0 है। तो पहली बार करोगे इसमें माइनस हो जाएगा 500, और इसमें प्लस हो जाएगा 500, दूसरी बार इसमें 1000 माइनस हो जाएगा, ऐसे माइनस होता जाएगा, ऐसे इसमें ऐड होता जाएगा, फिर एक समय आएगा आप ठीक हो जाओगे। तो ये होगा बार बार करने से, ऐसे नहीं। तो अभी आप यहाँ दरवाज़ों को छू सकते हो आराम से, कि यहाँ के दरवाजे गंदे लगते हैं कि नहीं लगते? यहाँ लगता है। तो घर में कैसे करोगे, फाइट करोगे? हाँ, फाइट करोगे। तो अभी आप इमेजिन करो कि आप घर में हो, जैसे आप आंखें बंद करो जी, हाँ, जैसे आंखें बंद करके पूरी तरह से इमेजिन करो, हाँ, 2 मिनट गहरे लंबे सांस लो और छोड़ो, गहरे लंबे सांस लेते रहो छोड़ते रहो। अब आपने
महसूस करना है कि आप घर में हैं, आप घर में, और अब आप दरवाजे के पास जा रहे हो, धक्के से जा रहे हो और गाली निकालते हुए कि ओसीडी वाले साले कुत्ते कमीने गंदगी वाले विचारों आ जाओ, मैं दरवाजे को छूने जा रहा हूँ। ये बोलो जोर जोर से, पूरा जोर जोर से बोलो, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, विचार आ जाओ, मैं दरवाजे को छूने जा रहा हूँ। हाँ, जोर जोर से बोलते रहो, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने, हाँ ओसीडी को गाली निकालते हुए, पूरा गाली निकालते हुए मैं हाथ लगा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचार मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे के हैंडल को मैं छूने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मैं दरवाजे को हाथ लगाने जा रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे खोलने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे के हैंडल को मैं हाथ लगाने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे के हैंडल को खोलने जा रहा हूँ। वेरी गुड वेरी। वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे को खोलने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे को हाथ लगाने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे को हैंडल को हाथ लगाने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे को हैंडल को खोलने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे को हाथ लगाने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे को खोलने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाने जा रहा हूँ, उसको खोलने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे के हैंडल को खोलने जा रहा हूँ, उसको हाथ लगाने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाने जा रहा हूँ, उसको खोलने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं ओसीडी के दरवाजे को खोलने जा रहा हूँ। हाँ, आ जाओ सालो कुत्तों कमीनो, आप बोलो कि मैं ये देखो खोल रहा हूँ, आ जाओ सालो कुत्तों कमीनो, मैं खोल रहा हूँ। इमेजिन करो कि आप दरवाजा खोल रहे हो, दोनों हाथों से खोल रहे हो, दोनों हाथों से खोल रहा हूँ, आ जाओ कुत्ते कमीनो विचारो मेरे दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे को खोलने जा रहा हूँ। आप बोलो कि हाय हाय मैं गंदा हो चुका हूँ, मान के चलो मैं, मुझे गंदगी में ही रहना है, मैं गंदा ही बन के रहूंगा, आज से मैं गंदगी में ही रहूंगा। आप कहो मैं सारा गंदा हो चुका हूँ, हाय हाय मैं गंदा हो चुका हूँ, मैं गंदा हो गया, हो चुका हूँ, पूरा गंदा हो चुका हूँ, हाय हाय मैं गंदा हो चुका हूँ, मैं गंदा हो गया हूँ, गंदा हो चुका हूँ मैं, पूरा बोलते जाओ, पूरा मैं पूरा गंदा हो गया हूँ, अब पूरा गंदा हो चुका हूँ, पूरा गंदा हो चुका हूँ, आ जाओ ओसीडी वाले उखाड़ दो मेरा, क्या उखाड़ोगे, मैं गंदा हो चुका हूँ, ओसीडी वाले गंदे विचारों मैं दिमाग में आ जाओ, मैं दरवाजे के हैंडल को हाथ लगा चुका हूँ, ये देखो मैं गंदा भी हो चुका हूँ, हाथ लगा रहा हूँ, मैं गंदा भी हो गया, हाँ चिंता आ जा, एंग्जायटी आ जा, बोलो डर आ जा, जितना डर, मैं तो पूरे घर को गंदा करके छोड़ूंगा, मैं तो पूरे घर में गंदा करूंगा, मैं तो हर चीज को गंदी करूंगा, मैं सारी चीजों को छूंगा, बोलो आ जाओ सीढ़ी वाले, गंदी कर दूंगा, हर चीज को मैं हाथ लगाऊंगा, हाँ हाथ, हर चीज को हाथ भी लगा रहा हूँ, गंदे हाथ से मैं हर चीज को मैं, हाँ अब आप महसूस करो कि सारी चीजों को गंदे हाथों से छू रहे हो, गंदे है नहीं वैसे, आपके ओसीडी वाली गंदगी से मैं छू रहा हूँ, अब बोलो कि मैं ओसीडी वाली गंदगी से सारा सामान छू रहा हूँ, सारी चीजों को मैं गंदा कर रहा हूँ, छू रहा हूँ, बोलते जाओ, बैग को, मेरे कपड़े को, मैं सब जगह छू रहा हूँ, टॉवल को, हाँ सब बोलते जाओ, जो जो चीजों से सब चीजों को छूते जाओ और बोलते जाओ कि क्या क्या छू रहे हो, मैं सब जगह बैग छू रहा हूँ, घड़ी, वेरी गुड, टॉवल छू रहा हूँ, बूट, चप्पल, कपड़े, बैग, मेरे जो जो सामान है सबको मैं छू रहा हूँ, चश्मे को, बॉक्स को, स्कूटर को, हाँ को, मोबाइल को, फोन को, बिस्तर को, पत्नी को भी हाथ लगा रहा हूँ, बच्ची को भी हाथ लगा रहा हूँ, सब जगह मैं इसको छू रहा हूँ, फर्श पे मैं बैठ रहा हूँ, दीवार पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, बर्तन पे भी हाथ लगा रहा हूँ, रोटी पे भी मैं हाथ लगा रहा हूँ, अब रोटी मैं खाऊंगा, और इसी हाथ से मैं रोटी भी खा रहा हूँ, सब कुछ फ्रिज को, सब बोलते जाओ, मटके को हाथ लगाऊंगा, गिलास को भी हाथ लगा रहा हूँ, वर्तमान में गंदे हाथों से मैं सब जगह हाथ लगाऊंगा, ओसीडी वाले विचार, गंदे विचारों से मैं अपने सब जगह हाथ लगा रहा हूँ, इन गंदगी से मटके को पानी पी रहा हूँ, मैं खाने को भी मैं हाथ लगा रहा हूँ, खाना भी खाऊंगा, कुर्सी को भी हाथ लगाऊंगा, बॉक्स को, बैग को, कपड़े को, सब जगह हाथ लगा रहा हूँ, मेरे जो मेरे इम्पोर्टेंट सामान है मैं सब जगह मैं हाथ लगा रहा हूँ, उसको मैं जो जो करना जो करते मैं सब जगह मैं हाथ लगाऊंगा, भाई मैं पूरा पूरा गंदा हो गया, मैं अब गंदा हो गया, मैं गंदा होकर भी मैं सब जगह मैं हाथ लगा रहा हूँ, मैं हर चीज को मैं हाथ लगाऊंगा,
मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं? थोड़ी एंजाइटी हो रही है सर। हाँ, एंग्जाइटी को होने दो, आप बोलो। साली कुत्ती कमी नहीं हो जाए, एंग्जाइटी आ जाए, एंग्जाइटी मैं सारा चीज सामान फिर से छू रहा हूँ, सारे फिर से आप दरवाजे के हाथ लगा रहा हूँ, बोलते जाओ फिर से महसूस करो एंग्जाइटी को, कहो आ जाता हूँ सामने आ जा, पूरी एंग्जाइटी फुल कर दो जितनी होती है होने दो, कहो दिल फट रहा है, दिमाग फट रहा है, इतनी एंग्जाइटी कर लो कि सारा खून का कतरा कतरा बिखर रहा है, पूरी एंग्जाइटी को होने दो। गंदगी साली, हाँ हाँ कहो एंग्जाइटी को, आ जा साली कुत्ती कमी नहीं, एंग्जाइटी आ जा, मैं तो सारा कुछ करूंगा, दोबारा से लग जाऊंगा, सब जगह हाथ लगाऊंगा, सब जगह मार लगाऊंगा, कुत्ते की बिना ओसीडी एंजाइटी आ जा मेरे दिमाग में, सब जगह मार लगाऊंगा, हाथ भी नहीं दूंगा, खाना खाऊंगा मैं, सब जगह हाथ लगाऊंगा, हर चीज़ को हाथ लगाऊंगा, हर चीज़ को मैं गंद करूंगा, आ जा एंजाइटी आ जा, और आ जा मेरे दिमाग में, आ जा और आ जा मेरे दिमाग में, आ जा, मैं सब जगह हाथ लगाऊंगा, हर चीज़ को मैं छूंगा, कपड़े को, हर चीज़ को छूंगा, अच्छी से अच्छी सबको छूंगा, टीवी मोबाइल घड़ी सब कुछ होगा, दरवाजे को, टेबल को, कुर्सी को, पलंग को, पानी के टब को, मटके को, ग्लास को, आ जा कितनी आ जा दीपक में, आ जा भाई दीपक में, आ जा एंजाइटी, आ जा दीपक में, आ जा, बोलते जाओ, वेरी गुड, आ जा अजय जी, कितनी आगे दिमाग में आ जा, तो आ जा, हर चीज़ को मैं छूता रहूँगा, मैं पूरा गंदा हो गया हूँ, फिर मैं हर चीज़ को मैं छूँगा, हाथ लगाऊँगा, हर चीज़ को मैं गंदा करता जाऊँगा, मैं पूरा गंदा हो गया हूँ, मैं पूरा गंदा हो चुका हूँ, पूरा गंदा हो चुका हूँ मैं, पूरा गंदा हो चुका हूँ मैं, लेकिन हर चीज़ को मैं हाथ लगाऊँगा, उनको भी मैं गंदा करूँगा, और गंदा करूँगा, और गंदा करूँगा, आ जा एंजाइटी, आ जा मेरे दिमाग में, आ जा और बढ़ जा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं हर चीज़ को हाथ लगाऊंगा, बोलते जाओ वेरी गुड वेरी गुड, हर चीज़ को मैं हाथ लगाऊंगा, और चीज़ को हाथ लगाऊंगा, सब सारे सामान को मैं हाथ लगाऊंगा, सारे सामान को मैं गंदा कर दूंगा, मैं खुद गंदा हो चुका हूं, पूरा गंदा कर रहा हूं, मैं पूरा गंदा कर रहा हूं, मैं पूरा गंदा हो रहा हूं, मैं गंदा नंबर वन, मैं पूरा हनुमान सिंह गंदा नंबर वन, बोलते जाओ, पूरा गंदा हूं, नंबर वन गंदा हूं, हनुमान सिंह गंदा हाजिर हो, बोलो हनुमान सिंह नंबर वन गंदा, हनुमान सिंह नंबर वन गंदा, हाथ पे सारी चीजों को गंदा कर रहा, गंदगी फैलाओ अभियान जिंदाबाद, गंदगी फैलाओ अभियान जिंदाबाद, गंदगी फैलाते रहो, गंदगी फैलाओ अभियान जिंदाबाद, हर चीज़ को मैं गंदा कर रहा हूँ, मैं चीज़ गंदा करूँगा, जिंदा करता रहूँगा, करूँगा मैं हर चीज़ को, आओ जितनी जल्दी मैं आ जाओ, मैं हर चीज़ को गंदा करता रहूँगा, करूँगा, कर रहा हूँ, मैं पूरा गंदा हो गया हूँ, मैं पूरा गंदा हो रहा हूँ, गंदा हो गया हूँ मैं, पूरा गंदा हो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं रुकूँगा नहीं, हर चीज़ को मैं छूता रहूँगा, रिका बाइक को, हर चीज़ को, दरवाजे को, कपड़े को, हर चीज़ को मैं छूता रहूँगा, जितना दिमाग में आ जाओ मैं हर चीज़ को मैं छूता रहूँगा, कपड़े को, हर चीज़ को, बैग को, सामान को, तस्वीर को, हर चीज़ को मैं छूता रहूँगा, ग्लास को, मटके को, पत्ती को, बच्चे को, हर चीज़ को, हर को मैं छूता रहूँगा, मैं बड़ा गंदा हो गया, सबको मैं गंदा कर दूँगा, आ जाओ जितनी आनी हो आ जाओ, एंजाइटी में दिमाग में आ जाओ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, सब चीज़ मैं गंदी कर दूँगा, मैं पूरा गंदा हो गया हूँ, मैं गंदा हो रहा हूँ, मैं सबको मैं गंदा कर दूँगा, सबको मैं गंदा कर रहा हूँ, हर चीज़ को मैं गंदा कर रहा हूँ, कपड़े को, बैग को, सामान को, हर चीज़ को, फर्श को, हर चीज़ को मैं गंदा करूँ, दरवाजे को कर रहा हूँ, नए दरवाजे को कर रहा हूँ, कपड़े को कर रहा हूँ, पलंग को कर रहा हूँ, तस्वीर को कर रहा हूँ, फोटो को कर रहा हूँ, खिलौने को कर रहा हूँ, टीवी को कर रहा हूँ, मोबाइल को कर रहा हूँ, सब जगह मैं सबको गंदा कर रहा हूँ, और जब मेरे दिमाग में और कितनी आना चाहती है, आ जा मैं सबको गंदा कर रहा हूँ, मैं खुद में गंदा हो गया हूँ, मैं गंदा हो रहा हूँ, लेकिन इस गंदगी के समय आपस में सबको मैं गंदा कर रहा हूँ, आ जा मेरे कितने दिमाग में, मेरे आ जा सबको मैं गंदा कर रहा हूँ, आ जा और गंदगी आ जा और एंजाइटी आ जा, गड़बड़ आ जा मेरे दिमाग में और मेरे अंदर बढ़ जा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं सबको मैं गंदा करता रहूँगा, करूँगा गंदा, मैं सबको मैं खुद में गंदा हो गया हूँ, मैं गंदा कर रहा हूँ सबको, मैं खुद गंदा हो रहा हूँ, मैं गंदा कर रहा हूँ सबको, सबको मैं गंदा चीज़ कर रहा हूँ, हर चीज़ को मैं गंदा करता रहूँगा, अब कितनी एंग्जाइटी हो रही है? ज़्यादा हो रही है। कितनी ज़्यादा हो रही है?
50% अच्छा आपके यहाँ बारिश कितनी हुई इस बार? इस बार बारिश महीने पहले बारिश अच्छी हुई है। अच्छी हुई है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ सर्दियों में सर्दी ज़्यादा पड़ती है या कम? सर्दी में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अच्छा अच्छा, यहाँ से गर्मी ज़्यादा पड़ती है या इतनी? दो दो दिन में सर यहाँ पे थोड़ी गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही है, लेकिन लगभग 19-20 का फर्क है बस। इतनी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी सर। और वातावरण शुद्ध रहता है या सही रहता है? नहीं, वातावरण शुद्ध रहता है सर। इससे शुद्ध नहीं, आपके यहाँ तो बिजली वातावरण थोड़ा शुद्ध ज़्यादा है, अभी हरियाली है, खेती बाड़ी ज़्यादा। इस तरह आप जिस माहौल में आप रह रहे ना, एकदम पूरा शुद्ध रहता है। अच्छा, ऐसा ऐसा ही है, कम बाइकल चल रहे हैं, कम बस वो सब। हाँ, यहाँ प्रदूषण नहीं, शांत एकदम। रात को सो तो कोई आवाज़ नहीं किसी का, कोई बस। हाँ, आवाज़ें नहीं आती यहाँ तो, एकदम शांत आवाज़ें पूरी रिलैक्स। हाँ हाँ, वहाँ भी ऐसा ही है, अभी तो बस चलता रहता है। जैसे वहाँ से जैसे मतलब हमारे जिस जिस मॉल में रहता है तो थोड़ा बाइकिंग थोड़ा कम चलते हैं, लेकिन मेन रोड पर जाओ तो बस हाँ छू बस वही चीज़ चलता है साथ ही। अच्छा, अभी कितनी एंग्जाइटी? वैसे थोड़ी डाउन हो गई वो। हाँ, एकदम बात एकदम चेंज हो गई। हाँ, एकदम से चेंज हो गया ना माइंड। हाँ, ऐसे ही होता है कि जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो एंग्जाइटी के ऊपर फोकस करेंगे। जब आप दूसरे काम पर फोकस कर दोगे ना, अपने आप एंग्जाइटी रिमूव हो जाएगी, दिमाग एकदम चेंज कर देगा। हाँ, ये तो दिमाग का खेल है ना, दिमाग को जहाँ अटका देते हैं वही है, फिर आप विचार निकल गया था ना। अभी कैसा फील हो रहा है? अभी तो अभी एकदम एंग्जाइटी थोड़ी सी कम हो गई। तो ये कर लोगे घर पर जाके? एंग्जाइटी को होने देना, जितनी हो उतनी फायदा है, फिर दूसरे काम में लग जाना। ये बार बार करना होगा, फिर ये आपका जो 2 लाख डेटा है वो डिलीट होगा, वरना डेटा बढ़ता रहेगा। इतना डेटा आप 2 लाख क्या 20 लाख है ये? 20 लाख सर। हाँ, 20 लाख डेटा, फिर और ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाएगा। 20 से फिर 25 होगा, 30 होगा। हाँ, ऐसा होता जाएगा, बीमार होते जाएंगे ना। अब अपने रिवर्स चलना है, डेटा को डिलीट करना है, बीमारी को कम करना है, ठीक की तरफ यात्रा करनी है। तो अब आप देखो 20-22 लाख पर अटके हुए हो, तो इसको अब कम करना है। कम तभी होगा जब ये करोगे। 500 अगर हो जाए तो पूरा पहली बार में 500, दूसरी बार में 1000 आएगा, फिर 1500 डिलीट हो जाएगा, ऐसे डबल होता जाएगा ना। आप 10 बार करोगे तो 10-10 हज़ार इकट्ठा ही डिलीट होने लग जाएगा, फिर 20 बार करोगे तो 20,000 एक बार में डिलीट होगा। तो वो डिलीट होने की जो जो मात्रा है वो डबल होती जाएगी हर बार। इसीलिए आपने शुरुआत करनी है, शुरुआत में थोड़ा सा रिजल्ट देखेगा, फिर बड़ा बड़ा होता जाएगा, कंपाउंड इफेक्ट आएगा। कंपाउंड इफेक्ट बोलते हैं ना, चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो कंपाउंड इफेक्ट की शुरुआत में तो कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन बाद में बहुत रिजल्ट ले आता है। तो इसी प्रकार ये रेगुलर करोगे तो देखना कि आपकी OCD जीरो हो जाएगी। ये भी तो रेगुलर, आपने OCD भी तो आदत इतनी पकड़ी है, वो कर करके पकड़ी है ना। 20 लाख बार किया है तब जा करके आप इतने बीमार हुए हो। अब आपको 20 लाख बार वापस नहीं चलना है, आप 20-25 बार चल लोगे तो उसी में काम निपट जाएगा। तो इतना तो आपको करना होगा। जिस चीज़ को आपने 20 लाख बार करके सीखा है उसको रिमूव करने के लिए 20 बार तो चाहिए ना। क्या समझे? क्या समझ में आया? अब इतने सालों में सर इतनी परेशानी, जल्दी वापस उसको रिवर्स करने में जितना करोगे जितना ये डाटा ये डिलीट होते जाएगा। बस ये कर लोगे घर पे हो जाएगा? अब यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ, घर पे जाऊँगा तो मालूम पड़ेगा सर ये बात है। हाँ, लगता है कर लोगे आप? लेकिन जो सब मेरे समय से इतने सालों से मैं कभी बोल नहीं रहा, हाँ, जबान पर ला नहीं चाहता। हाँ, मैं वो हितेंद्र सिंह मैंने उसको बोला कितनी बार ले लिया, मैं सोया तब लिया था खुद कमी तुझे छोड़ूंगा नहीं। आप तो निकालेंगे 2 दिन उसी को निकालेंगे। हितेंद्र सिंह की तो आज गर्दन मरोड़ के ही छोड़ेंगे, आज उसको जला के आएंगे, उसको अस्थियां बहा के आएंगे गटर में। हाँ, तैयारी चल रही है, हितेंद्र सिंह तैयार हो रहा है। बाकी कपड़े कैसे थे उसके? वो आप उसको कपड़े कुपड़े और वो सारा सिर आप बनाना उसका, ठीक है? अभी बनाएंगे उसका, वो पुतला बनाएंगे पूरा तकड़ा, वो सारा रिकॉर्ड करेंगे आप पुतला बनाते हुए, हितेंद्र सिंह को कपड़े पहनाते हुए सारा आप शूट करेंगे। वो फिर उसको जलाएंगे, मारेंगे, फिर उसको रोएंगे। रोएंगे तो क्या, हंसेंगे? आप हंसेंगे तो हमने उल्टा रिवाज करना, आप हंसने वाला करेंगे, मजा आएगा, पूरा मजा लेंगे। शाम को फिर जला करके फिर आप मिठाई बांटेंगे ना, फिर मुंह मीठा करेंगे तो मिठाई खाएंगे, फिर चाय पी के फिर चलेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा ना। अब एंग्जाइटी हो रही है, अब जीरो होगी ना, जीरो। बस ऐसे होता है।
तो ऐसे ही आपने एंग्जाइटी को कम करने के लिए कंपल्शन नहीं करना, हाथ पैर धोकर के एंग्जाइटी को कम नहीं करना है, दूसरी तीसरी बातों में उलझ जाओगे, रिवर्स वो जो सोच रहे थे उसका रिवर्स सोचोगे तो एंग्जाइटी अब गई ना, अब देखो एकदम से जीरो हो गई, होगी ना, थोड़ी देर पहले थी ना, ऐसे करनी होती है कम एंग्जाइटी, हम उल्टा सीख गए कि हम कंपल्शन से करते हैं। ओके फिर ये ट्रिगर हो जाएगा तो हैंडल छू लोगे सारे, यहाँ तो छू ही सकते हो, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो घर पे भी छू लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे पता है, मैं चेहरा देख के बता देता हूँ ना, मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ, तो मुझे पता है कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। जो फंसने वाला होता है वो पहले मिनट ही फंस जाता है, जिसने ठीक होना हो तो पहले आते ही पता लग जाता है ये ठीक होगा कि नहीं। तो आप ठीक होने वाले ही हो, आपको तो बस एक सहारा चाहिए, एक बार चाहिए, एक बार धक्का चाहिए आपको, धक्का देने वाला चाहिए, बिना धक्के के स्टार्ट, आप धक्का स्टार्ट है, धक्का एक बार धक्का दे दिया फिर चल जाएगी गाड़ी, बिना धक्के आप थोड़ा ठिटक जाते हो, वो डावाडोल सी हो जाती है, धक्का मार दिया जोर से फिर चलेगा, तो आपको मैं धक्का देता रहूँगा ना, ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है, हर रोज है।